आप सभी को नमस्कार। फिर मैं राम शंकर तिवारी, एनएसजी कमांडो, आज इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज हम आपसे कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। जो काफ़ी समय तक हम वीवीआईपी ड्यूटी में रहे हैं, तो कमांडो के वीवीआईपी ड्यूटी में क्या भूमिका होती है, कैसे वर्क करता है, आज हम लोग इस पर जानेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। तो वीवीआईपी ड्यूटी में उत्तर प्रदेश लखनऊ जो केंद्र बिंदु होता है, तो वीवीआईपी ड्यूटी मिलती किन किन को है? वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यपाल, पूर्व मुख्यमंत्री जितने हैं, इन सभी को वीवीआईपी ड्यूटी मिलती है आजीवन। तो इनका संचालन कैसे होता है? इनका संचालन के लिए कमांडो दो कंपनियां बनी हैं, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ के 32 बटन पीएसी में व्यवस्थापित होती हैं। हर कंपनी में एक कंपनी कमांडर होता है जो उसको नेतृत्व करता है। उसके साथ साथ जो है करीबन 22 हेड कॉन्स्टेबल होते हैं और लगभग 100 से ज़्यादा जो है कॉन्स्टेबल होते हैं। एएसआई भी हमारे पास 4 होते हैं और इस पर एक यूनिट कमांडर आईपीएस जो होता है, जो पूरे को मॉनिटरिंग करता है, देखभाल करता है, चाहे कमांडो की ग्रांट आनी हो, उनके ड्रेस के बात हो, उनके वेपन के बात हो, उनकी फायरिंग से संबंधित है, आर्मेशन डिमांड करके मंगवाना है, जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो जरूरत के कमांडो संबंधित सारी चीज़ें कैरी कर करके उन तक पहुँचाने की जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे छुट्टी हो, परमिशन हो, हर चीज़ के लिए जो होती है। तो इस तरीके से कुछ वीवीआईपी के कमांडो जो सुरक्षा शाखा लखनऊ में कार्यरत होते हैं, वहाँ से अटैच होकर के उनको सुरक्षा शाखा से वेतन मिलता है और वो भी वीवीआईपी ड्यूटी करते हैं। तो वीवीआईपी ड्यूटी में सबसे ज़्यादा सुरक्षा वर्तमान मुख्यमंत्री के पास होता है। पूर्व मुख्यमंत्री के पास केवल मात्र 10 कमांडो होते हैं। और कमांडो दो प्रकार के उत्तर प्रदेश में होते हैं। एक एनएसजी कमांडो होता है जिसको ब्लैक कैट बोलते हैं और एक कोबरा कमांडो होता है। जो कोबरा कमांडो है वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के माध्यम से होता है। आप पैरा कमांडो, कोबरा कमांडो, ये आपका आगरा में उत्तर प्रदेश में इसके ट्रेनिंग सेंटर हैं जहाँ पर ये होता है। तो इस तरीके से जो है हम भी जब एनएसजी से कोर्स करके आए तो यहाँ पर लगे। एनएसजी जो है इनर क्वार्टर में होती है, जो सीएम की सुरक्षा होता है उसके इनर क्वार्टर में एनएसजी होती है, आउटर क्वार्टर में यूपी कमांडो, कोबरा कमांडो होते हैं। उसके बाहर फिर लोकल पुलिस है, चाहे पैरामिलिट्री पुलिस है, आर्म फोर्स है, ये सारी उसके बाद होती हैं, इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें शिफ्टें बनी होती हैं, शिफ्ट बनी होती हैं, शिफ्ट वाइज वर्क होता है 8-8 घंटे का। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि वीवीआईपी ड्यूटी में तो बहुत विशेष सतर्कता की आवश्यकता होती है। एक चूक भी बर्दाश्त नहीं हो सकती कि एक चूक होना और एक हमारा वीआईपी जो है वीआईपी हमारा हमारे बीच में अगर कोई घटना हो गई तो समझिए कि ये देश विदेश तक, राष्ट्र संघ तक सुरक्षा में ये प्रश्न उठता है कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसलिए बहुत तेजी से इस पर मॉनिटरिंग होती है। और हमारे बीच में जो वीवीआईपी ड्यूटी में जो मुख्यमंत्री की ड्यूटियां होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में कमांडो सबसे ज़्यादा वहीं पर लगते हैं। 100-200 कमांडो तो शिफ्टो वाइज कई उसके क्राइटेरिया बने हैं, कई बूथ बने हैं घरों में, कई कॉर्डन बने हैं जिसमें अलग अलग शिफ्ट वाइज चलते रहे, घर के चारों तरफ से होते रहते हैं। और जब चैलेंज की बात सबसे बड़ी तो तब आती है वीवीआईपी ड्यूटी में कि जब हम चुनाव के दौरान होते हैं और वीवीआईपी को मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है। वीवीआईपी को जब किसी सभा में जाना होता है, कहीं मीटिंग में जाना होता है, तो हम लोगों को चाहे गाड़ियों में चलना हो तो गाड़ियों से वीवीआईपी की गाड़ी को कवर करके चलना पड़ता है, क्योंकि आगे से एक गाड़ी होती है, एक राइट से, एक साइड से, एक पीछे से, कि किधर से भी कवरिंग फायर आए किसी से है तो कमांडो चारों तरफ उसको कवर किए हुए होते हैं। यही दशा में जब पैदल चला जाता है तब भी यही दशा होती है।
पायदान में भी यही दशा होती है कि कमांडो को एकदम कवर करके रहते हैं जब तक वो अपने निवास स्थान तक न पहुंच जाए। जब तक वो अपने निवास तक न पहुंच जाए तब तक कमांडो की जिम्मेदारी है अंदर पहुंचा करके फिर वो रेस्ट है। तो जब हम वीवीआईपी ड्यूटियों में दोस्तों जब मूवमेंट करते हैं तो सोचिए कि एक एक दिन में 20-20 सभाएँ होती हैं, तो इतने कैबिन 30-30, 40-40 टुकड़ी बनाई जाती हैं जो ट्रेन के द्वारा लगातार मोमेंट 10-10 के ग्रुपों में जाते हैं, वहाँ के डीएम को रिपोर्ट करते हैं, वहाँ से होटल मिलता है रुकने के, अपने वेपन के साथ रुकते हैं, खाना खाने की व्यवस्था होती है, फिर मंच स्तर पर जाते हैं और उसको चेकिंग करते हैं, उसको हैंडओवर अपने चार्ज में लेते हैं और लोकल पुलिस उसके माध्यम से पूरा घेराबंदी कर देते हैं, उस पर किसी के आने जाने पर रोक लगा देते हैं, फिर वो सभा कराते हैं और फिर जो है वीआईपी फ्लाइट से या हेलीकॉप्टर से अगली सभा के लिए मूव कर दिया 200 किलोमीटर, वहाँ पे दूसरी टुकड़ी लगी है, वहाँ से वो सभा कराई, तब तक तीसरी टुकड़ी मूव किया वहाँ लगी। इस तरह से पूरे इंडिया में जहाँ भी वीआईपी जाता है एडवांस पार्टी जाती है। जैसे भी वीआईपी को दिल्ली जाना है मुख्यमंत्री को, तो 2 दिन पहले ही यहाँ से एक टुकड़ी एडवांस मैं वेपन सहित अपने बैग में रख करके ट्रेन जैसा भी साधन हो उससे जाते हैं। जैसे हम बताते हैं कि जब हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जो इस समय गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह के साथ काफ़ी लंबे समय तक गए थे, तो हमारे 2-3 मित्र हैं, एक रामहित यादव जो थे कि जो राष्ट्रपति पदक पाए थे, तो उनके पास जो है एसी का पास रहता था, वो एक लोग सहायक भी ले जाते थे, तो हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो हम लोग हमें बहुत ले जाते थे साथ में, तो दोनों लोग हम लोग को टिकट भी नहीं पड़ता था, बढ़िया इंजॉय करते हुए अपने मौके पहुंच जाते थे, वहाँ पे पूरी ड्यूटी को अंजाम करके फिर आ जाते थे। तो बहुत ही मतलब ये मानिए हर प्रकार का इंजॉय वीआईपी में करना पड़ता है, लेकिन तटस्थता के साथ वर्क भी करना है, क्योंकि वर्क हमारी पहली प्रियोरिटी है, वीवीआईपी हमारा पहली प्रियोरिटी है। यह सौभाग्यशाली की बात है कि अगर कोई जो भी सिपाही जो भी कमांडो अगर ऐसी ड्यूटी को उसको पाने का मौका मिलता है तो उसको गर्व करना चाहिए कि ऐसी जगह पर उसे ड्यूटी को वर्क मिला है जहाँ जाने के लिए बहुत लोग तरसते हैं कि हम पहुँच जाएँ। तो इस तरीके से काफ़ी एक्सपीरियंस रहा इसमें, काफ़ी समय तक हम रहे और बहुत अच्छा लगा। हर प्रकार की ड्यूटियाँ, बाहर से कोई प्रधानमंत्री आता है, कोई राष्ट्रपति आता है, उसके भी आउटर गार्डन की कई ड्यूटियों करने का मौका मिला, इस तरीके से बहुत अच्छा लगा। और लगातार आपके साथ में हम नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे, नई नई अपनी खुद की जर्नी की, रियल लाइफ की, आपको रियल घटनाएं, रियल वर्क हम आपको बताते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो इसी के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, विच ऑल द बेस्ट।